करण जौहर की फिल्म यानी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2। स्टूडेंट ऑफ द ईयर जिस तरीके से बहुत ज़्यादा हिट गई थी, इसके साथ साथ आपको बता दें, लेकिन इस बार जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर का पार्ट 2 रिलीज़ हुआ है वो कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर पिटता हुआ नज़र आ रहा है। जी हाँ, ये 3 दिनों के बाद भी इसने केवल कमाई की है 38.83 करोड़ की। कहीं ना कहीं बात की जाए करण जौहर की मूवीज़ की, तो करण जौहर की मूवीज़ की लिस्ट में ये फेल होने वाली मूवीज़ में नाम आ गया है, क्योंकि जिस तरीके से करण जौहर की मूवीज़ का आंकड़ा रहता है, चाहे वो पैसों का हो, चाहे वो बॉक्स ऑफिस पे उनके कमेंट्स और साथ ही साथ उनके प्रमोशन का हो, वो हर आंकड़ा सबसे टॉप पर रहता है। लेकिन ना जाने क्यों इस बार स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर पिटती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए करण जौहर सहित इस मूवी में काम करने वाले यानी कि टाइगर श्रॉफ ने भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त की थी ताकि प्रमोशन से लेकर हर एक चीज़ में कोई कमी ना रहे। वेब न्यूज़ रिपीट, फिल्म अड्डा से अमित शर्मा करीब।